सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में एक चीज पर बहुत थ्रस्ट किया है, बहुत जोर दिया है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। कोर्ट ने साफ कहा है कि अदालतों को यह समझना होगा कि जमानत किसी को देना ये नियम है, ये इसका पालन करना चाहिए, और किसी को जेल में रखना वो अपवाद है, वो अपवाद वाले मामलों में ही जेल में रखना चाहिए। तो मनीष सिसोदिया को इसकी सही आधार पर जमानत दी, कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा, और क्योंकि इसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बंद हैं, तो जब उनकी जमानत दाखिल की जाएगी तो इस जजमेंट का हवाला भी सुप्रीम कोर्ट में जरूर दिया जाएगा। उनकी लीगल टीम से भी आज मेरी बात हो रही थी, तो उनका यह कहना था कि इस जजमेंट को हम रेफरेंस के तौर पर कोर्ट के सामने रखेंगे। तो बेशक यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर इसको कोर्ट के सामने यहाँ रखा जरूर जाएगा, जिससे मजबूती हो सकता है आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल को मिले, और हो सकता है आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए एक और खुशखबरी अरविंद केजरीवाल के रूप में बाहर सामने आए। जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर आप हैं, क्या माहौल वहां पर, समर्थकों की भारी भीड़ है तिहाड़ जेल के बाहर? देखिए, मैं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गया हूं, जहां से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से सीधे यहीं पर आएंगे। मैं सीधे तस्वीरें सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड की दिखा रहा हूं। अभी यहां पर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात है, आमतौर पर पुलिस होती है, लेकिन अब मनीष सिसोदिया यहां पर आ रहे हैं, और यहां जाहिर सी बात है कि हलचल बढ़ेगी, कार्यकर्ता जुटेंगे, तो उस लिहाज से व्यवस्था कायम करने के लिए यहां पर पुलिस पहुंची है। अभी आप देखिए यहां पर कोई कार्यकर्ता फिलहाल जमा नहीं है। अगर तिहाड़ से सिविल लाइन की दूरी की बात करें तो समझिए बारिश भी हुई है, जगह जगह ट्रैफिक जाम भी है, तो मान के चलिए कि 40-45 मिनट लग सकते हैं उनको यहाँ पर आने में, और ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं वो तिहाड़ पर ही जुटे हैं, जेल के बाहर उनका स्वागत किया गया है। देखिए, ये तीसरी ऐसी तस्वीर नज़र आई है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को दिखी थी। इससे पहले हमने देखा जब अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, तब भी जेल के बाहर इसी तरह से कार्यकर्ता जुटे थे, उन्होंने संबोधन किया था, और संजय सिंह के वक्त पर भी हमने देखा, और अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। यह जमानत आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया जो है पार्टी के चेहरों में से एक हैं, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री वो रहे हैं, और उनको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर थी कि दिल्ली की शिक्षा के लिए काम करने वाले शख्स को बीजेपी टारगेट कर रही है। अब ऐसे में जब मनीष सिसोदिया की जमानत हुई है तो आम आदमी पार्टी ये लोगों में बात चलाएगी भी कि देखिए हम जो कह रहे थे वो बात सही है। जावेद, अपनी बात जो है वो आम आदमी पार्टी अब बखूबी सामने रखेगी, और जो राजनीतिक रास्ता अब तक वो भटक गए थे, जो मुद्दों से भटक गए थे, वो वापस ट्रैक पर लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। विक्रांत, आपने लंबे वक्त से इस पूरे मसले को यहाँ पर कवर किया है, अब आप देखते हैं किस तरीके से आगे की जो स्थितियां होंगी आम आदमी पार्टी के लिए, कितनी चुनौतियां कम होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं आपको? देखिए, एक साफ बात है कि जब आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में बंद हो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों पार्टी की टॉप लीडरशिप थी, अरविंद केजरीवाल संगठन पूरा संभालते थे सरकार के मुखिया होने के साथ साथ, और मनीष सिसोदिया एक तरह से लिटरली कहा जाता था कि दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया चला रहे हैं, दिल्ली में एजुकेशन का वो फेस बने थे पार्टी की तरफ से, और बाकी कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास ही थे, तो एक तरह से सरकार का चेहरा मनीष सिसोदिया बन गए थे। लेकिन दोनों के जेल में जाने के बाद कई दिक्कतें सामने आई, और हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को इंट्रिम बेल मिली, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया क्योंकि वो एक इंट्रिम बेल थी, उस चुनाव के पीरियड के दौरान आपको चुनाव प्रचार के लिए मिली थी। अब मनीष सिसोदिया बाहर आए और कोर्ट की जिस तरीके के ऑब्जर्वेशन है उसका राजनीतिक फायदा भी पार्टी उठाएगी, और पार्टी के संगठन में जिस तरीके का ये कहा जा सकता है कि एकदम ठंडा पड़ा हुआ था संगठन, उसको एक उम्मीद मिलती है। संजय सिंह बाहर आए थे तो पार्टी को एक उम्मीद मिली थी, कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद मिलती है, किसी भी राजनीतिक दल को यह उम्मीद मिलेगी अगर उनके बड़े नेता बाहर आएंगे तो। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, आपके पास वापस आएंगे विक्रांत। यहां पर मनीष सिसोदिया ने कहा है मैंने 17 दिन कष्ट उठाया है, उनका जो बयान है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे वो कहते हैं मैं अकेला जेल में नहीं रहा, आप सब रहे, 17 महीने मैंने जेल में कष्ट उठाए हैं, ये उन्होंने कहा, और बाबा साहेब का कर्ज कैसे उतारेंगे हम, ये उनका कहना है। आगे वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद। तो देखिए, तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अभिवादन स्वीकार किया, संविधान की ताकत से मिली जमानत, ये उन्होंने कहा, और कहा कि 17 महीने हमने कष्ट झेला है, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया का यह बयान जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और तस्वीरें तिहाड़ जेल से हम आपको पहुंचा रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। 17 महीने 530 दिन जेल के अंदर रहे मनीष सिसोदिया, लंबा ट्रायल यहां पर चला, और आज
उनको जमानत मिलती है तो तमाम समर्थक भी उनको सुनने उनको देखने पहुंचते हैं। इससे पता चलता है कि पार्टी का जो बुझा हुआ आत्मविश्वास था वो अब जग उठा है, दोबारा से वो समर्थक जग उठे हैं और दोबारा से उनके अंदर भी वो आत्मविश्वास वापस लौटा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं मनीष सिसोदिया। पार्टी की कमान उनके हाथ में है और संगठन को पूरी तरीके से मजबूत तरीके से आगे चलाने का काम उनके कंधों पर हमेशा से रहा है और इस जिम्मेदारी को दोबारा से उनको यहां पर लेना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव है, उनकी भी तैयारियां करनी है, पार्टी को फिर से वही मजबूती दिलानी है जो पहले थी जेल से जाने से पहले। गाड़ी में चलिए, गाड़ी में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे आप यहाँ पर मनीष सिसोदिया को किस तरीके से समर्थकों से फिलहाल वो घिरे हुए हैं। विक्रांत लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विक्रांत देखिए, अब बाहर तो आ गए हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन बहुत तरीके की बातें यहाँ पर हो रही हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बीजेपी का ये कहना है कि बाहर आ गए तो क्या हुआ, रिहाई हो गई तो क्या हुआ, जमानत मिल गई तो क्या हुआ, आरोपों से अभी मुक्त नहीं हुए हैं। इस बयान को किस तरीके से लिया जाए, कानूनी तौर पर कैसे समझा जाए? देखिए बिल्कुल बीजेपी जो बात कह रही है कानूनी तौर पर वो बात ठीक है, क्योंकि अभी ट्रायल मामले का चलेगा, लेकिन एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ईडी के मामले में जो पीएमएलए के तहत दर्ज होता है उसमें जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है और जमानत को एक बड़ा माइलस्टोन उस मामले में माना जाता है। ईडी के केस में ये कहा जाता है कि जमानत मिलने पर आपकी आधी से ज़्यादा दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसके बाद आपका ट्रायल चलता है, ट्रायल का कोई भी आदमी सामना कर सकता है, केवल जेल में रहना उसके लिए थोड़ा मुश्किल, किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। अगर उसे जमानत मिल जाए बाहर से वो ट्रायल को झेल लेगा, लेकिन अब ईडी के मामले में जमानत मिलती है, सुप्रीम कोर्ट जमानत देती है, कई तरह के स्ट्रिक्चर्स पास करती है, ऑब्जर्वेशंस पास करती है, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर होंगे, दोनों पार्टी एक दूसरे पर करेंगी, यहां तक कि आप बीजेपी की बात कर रही हैं, कांग्रेस के भी कुछ नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के दोनों हिस्सेदार हैं। लेकिन विक्रांत आपको यहां पर रोकना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को, केजरीवाल के परिवार से मिलने पहुंचेंगे कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया, वो तस्वीर